बीवी कहती नहीं आपको कि आप काम किया करें, आप किस लत पे लगे, रोती है सब कुछ करती है वो, तो जब वो रोती है आपको उस पर तरस नहीं आता, बच्चियों पे तरस नहीं आता? आज मेरे घर वालों ने संगल लेकर आए हैं, वो बांध देंगे आज उसे, इंशाल्लाह छूट जाएगा। जब फिर वो संगल से आपको आजाद करेंगे आप फिर बाहर आके लग जाओ? नहीं फिर नहीं लग। जब आप घर वालों के संगल से बस डर रहे हैं, आप अपने आप से नहीं डर रहे? नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें मुझे बांध दो ये छूट जाएगा, मुझे पता है ना कि ये सिर्फ तो आप कह रहे हो 15 दिन बन जाए इंसान, 15 दिन एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मलक खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन आज हम दोबारा जो है वो दुसहरा ग्राउंड में मौजूद हैं, जहाँ पर मुंशियात फरोशी वो अरूद पर है। और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये पीछे जो ये लाइन लगी है, यहाँ पर हर वक्त 40 से 50 जो वो नशेई हजरात यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपने दोस्त को नशा छुड़वाते छुड़वाते खुद नशे पर लग गए हैं। हम उनसे जानते हैं उनकी कहानी सारी जुबानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज है जी। परवेज भाई आप मुझे ये बताइएगा कि आप नशे पर कैसे लगे? मैं नशे पर ऐसे लगा था, मेरा दोस्त था वो पाउडर पीता था, तो वो मैं उसको छुड़ाने के लिए मैंने देसी घी खरीद के उसके घर देकर आया। घर देने के लिए उन्होंने कहा मुझे कहा कि ये आप थोड़ा सा पी कर तो देखें, आप जैसे अफीम का स्वाद है ऐसे इस पाउडर का स्वाद है। मैंने एक घूंट लगाया, दो घूंट लगाए, ऐसे ही मैं इस नशे पर। आप तो उसे छुड़वा रहे थे, जब उसने आपको कहा कि इसे पी कर देखे तो आपने फिर क्यों पिया? बस वैसे ही चेक कर लिया, बस चेक करने में। और उसने आपको कहा कि अफ्यून का स्वाद है, तो आपने पहले कभी अफ्यून खाई थी? पहले कभी कभी मैं खा लेता था, कभी कभी, यानी कि साल में 2 महीने। आपको अफ्यून भी मिल जाती थी? हाँ। और अभी आप ये पाउडर का जो नशा कर रहे हो ये भी आपको बासानी मिल जाता है? हाँ ये बासानी मिल जाता। कहाँ से लेते हो आप ये? भुत्तर मिलता है, झेडुओं से मिल जाता है। इधर कसूर से किस जगह से मिलता है? कसूर से, पूरे कसूर में ही बिकता है ये, पूरे कसूर में ही। पूरे कसूर में जहाँ से मर्जी ले ले मिल जाता है? मर्जी ले ले पूरे कसूर में। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? ये नहीं है दूसरे ग्राउंड में बिकता है, पूरे कसूर में बिकता है ये तो। अच्छा, ये सिर्फ दशहरा ग्राउंड नहीं, पूरे कसूर में जहाँ से मर्जी जाए आपको आसानी से मिल जाता है? आसानी से मिल जाता है ये तो दूसरा ग्राउंड। तो एक तो ये तो बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ से ज्यादा मिलता है नशा दूसरा ग्राउंड से ही। दूसरा ग्राउंड से नहीं मिलता, ये पूरे कसूर से मिल जाता है। ये पूरे कसूर से जहाँ से मर्जी लें आपको आसानी से मिल जाता? आसानी से मिल जाता। आप शादीशुदा भी हैं? हाँ शादी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चियाँ मेरी। 4 बच्चियाँ? कभी आपको अपनी बच्चियों के ऊपर तरस नहीं आया? तरस आया, रोती हैं मेरी बच्चियाँ, मेरे बीवी रोती है। पहले मेरी बीवी है, बच्चियाँ हंसती थी, अब वो रोती हैं। क्या काम करते थे पहले आप? पहले मैं सोसाइटी में काम करता था, मेरे मामू की सोसाइटी थी। अब मैं किसी भी काम नहीं करना, काम करने जोगा ही नहीं रहा। नशा छोड़ने की कोशिश? हाँ बड़ी दफा छोड़ने की कोशिश। छोड़ा क्यों नहीं? छूटता ही नहीं। आप तो दूसरों का नशा छुड़वा रहे थे तो आपका क्यों नहीं? दवाई खाता हूँ वो, 2 दिन खाता हूँ, 3 दिन खाता हूँ वो, फिर तो आपके घर का सर्किट आप कैसे चलता? खिंच पड़ जाती है अंदर खिंच, वो बस बहन भाई है वो चला देते हैं, माड़ा मोटा जोर से चला देते। तो आपकी बीवी कहती नहीं आपको कि आप काम किया करें, आप किस लत पे लगे? रोती है सब कुछ करती है वो, तो जब वो रोती है आपको उस पर तरस नहीं आता, बच्चियों पर तरस नहीं आता? आता है। बच्ची सबसे बड़ी बच्ची की कितनी उम्र है? 8 साल। 8 साल है तो माशाल्लाह वो जवान हो गई हैं, तो वो स्कूल भी जाती होंगी। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती है वो? इस टाइम मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, मैं क्लास में नहीं पढ़ाता, स्कूल की पढ़ाई पढ़ानी नहीं है, मदरसे की पढ़ाई पढ़ानी है। माशाल्लाह आप इस्लामी भी लग रहे हैं, आपने सुन्नत रसूल भी सजाई हुई है, तो आप अभी तक अपना नशा कह रहे हैं कि छूटता ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि इंसान जब खुद छोड़ना चाहे? आज मेरे घर वालों ने संगल लेकर आए हैं, वो बांध देंगे आज उसे, इंशाल्लाह छूट जाएगा। जब फिर वो संगल से आपको आजाद करेंगे आप फिर बाहर आके लग जाओ? नहीं फिर नहीं लग। जब आप घर वालों के संगल से बस डर रहे हैं, आप अपने आप से नहीं डर रहे? नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें मुझे बांध दो ये छूट जाएगा, मुझे पता है ना कि ये सिर्फ तो आप कह रहे हो 15 दिन बन जाए इंसान, 15 दिन एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए तो ये छूट जाता। तो जब आप बाहर निकलोगे फिर आपका वही दोस्त मिलेगा, वो आपको फिर कहेगा ये चेक करो फ्यूम के पास, अगर जो बैठोगे तो फिर लग जाओगे, जो ना बैठोगे तो नहीं लगोगे। तो आप फिर बैठोगे दोबारा? नहीं। तो आपकी बच्चियां जब स्कूल मदरसे जाती हैं, जाहिर वो पैसे तो बच्चे मांगते हैं ना, तो पैसे देते हैं? हाँ मेरा बड़ा भाई देता है। बड़ा भाई देता है? बच्चे आपके हैं, बच्चियाँ आपने ली हैं ना? आप जितने जो गाँव पर बड़ा भाई भी देता है। जी नाज़रीन आप ये देखें इसके कपड़े, ये जो है ना सारे ये माचिस के निशान, जो आग की जो चिंगारियाँ होती हैं उसके साथ, ये गांव के नंबरदार भी ये अपने आप को कह रहे हैं
कि मैं गांव का नंबरदार हूँ और मैं दोस्त को छुड़वाने के लिए ये अपने दोस्त को नशा छुड़वाने के लिए ये ऐसी बुरी हालत पे लग गया। नाज़रीन ये मैं आपको दिखाऊं कि ये वाकया ही ये छोड़ना चाहता है और मेरे मुझे इसने रिपोर्ट्स भी दिखाई। ये अभी दारुल रहमत हॉस्पिटल कसूर में एक हॉस्पिटल है दारुल रहमत, जो नशियों को नशा छुड़वाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी आप ये बताइए आपको कितनी देर होगी ये नशा? मुझे 2 साल हो गए। ये आप तो अब नशा छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन जो नौजवान नस्ल अभी ये देख रहा था मैं पीछे को तकरीबन 12-13 साल का लड़का था जो अपने आप को इंजेक्शन लगा रहा था, ये अभी जो नौजवान लड़के इस बुरी आदत पे लगे हैं इन्हें कोई आप मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है, इसके करीब कभी भी ना जाएं, जे जाएं भी तो आप दवाई लेकर रहमत हॉस्पिटल से इसको छोड़ सकते हैं। वो दवाई ऐसी दवाई है अगर उसको खाते हैं तो तरोड़क पैदा नहीं होने देती वो। अभी आप इस शहरी की बात भी सुन रहे थे, वो कह रहा था कि सिर्फ ये दशहरा ग्राउंड ही नहीं बल्कि हम पूरे कसूर से जहाँ से मर्जी हम नशा वो बआसानी हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मलक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV।